हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? सर्वाइव हो आप लोग? ठीक है, खुश रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे। आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, आज मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी लेके आए हूँ। और रेसिपी में मैं आज बनाऊंगी चिकन लजीज करी। और इसमें और कैसे मैं बनाऊंगी, और दो तीन बार मैं इसको ट्राई कर लिया हूँ, मेहमान को भी खिला दिया, और मैं कैसे अभी बनाती हूँ इस चिकन को। और ठीक है, अभी रेसिपी बनाने में मैं शुरू कर दूँ। चिकन लजीज का ही बनाऊंगी। और बनाने के लिए पहले मैं चिकन को अभी मैरिनेट करूंगी। मैरिनेट करने के लिए मैं ये दही ले रही हूँ एक बाउल में। और दही देने के बाद मैं इसमें डालूंगी मिर्ची पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर बाद में भी देना पड़ेगा, और हल्दी पाउडर। उसको डाल के अभी इसको मिलाऊंगी अच्छी तरह से। मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी, और देखिए इसी तरह, और ये हो गया है। अब इसको मैं चिकन में डाल दूंगी। हाथों से ही कर अच्छा लगता है, हाथ से ही मैरिनेट करूंगी। देखिए और ये देखिए, मैं अच्छी तरह से हाथों से सभी चिकन को मसाला लगा दूंगी। और मैरिनेट करने के बाद मैं हाफ एन आवर के लिए रख दूंगी ढक्कन लगा के। आप चाहे तो एक घंटा के लिए भी रख सकती है। और मेरा हो गया है, और अच्छी तरह सभी चिकन पे मसाला लग गया है। अभी इसको मैं हाफ एन आवर के लिए ही रख दूंगी ढक्कन लगा के, अभी रख दूंगी और चिकन का मसाला तैयार करूंगी। एक कढ़ाई में मैंने एक कप पानी दे दिया है। पानी देने के बाद ग्रीन चिली दे दिया है सार, और बीच में काट के दिया है, और मैंने दो अनियन को काट कर दे दिया, और इसमें अदरक और लहसुन भी दे दिया। और देने के बाद मिला दूंगी, और मिलाने के बाद मैं इसको ढक्कन लगाकर पानी सूखने के लिए रख दूंगी। मैं हाई फ्लेम में ही रख दिया था। अभी मैंने देखा पानी सूख गया है ढक्कन हटाकर, फिर मैं इसको कटोरी में उतार लूँगी। उतारने के बाद मतलब ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। और मैं अभी दो टमाटर को भी काट लूँगी, क्योंकि उसको भी मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। और देखिए, मैंने अभी फाइन पेस्ट बना लिया है, फाइन पेस्ट बना ले, और टमाटो को भी फाइन पेस्ट बना ले। गरम मसाला ले लिया, कढ़ाई गरम कर लिया। कढ़ाई गरम करने के बाद मैं इसमें तेल दे दिया। तेल देने के बाद लौंग, इलायची, दालचीनी और गोल मिर्च को दे दिया है 4-5। और देन गरम मसाला देने के बाद थोड़ा पकने के लिए दूँगी। पकने के बाद जो मैं अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया था उसको डाल दूँगी। डालने के बाद मैं उसे 2-3 मिनट ऐसे मिलाते रहूँगी, जब तक तेल थोड़ा सा पक नहीं जाएगा। और इसी तरह मिलाने के बाद, थोड़ा पकने के बाद, मैं जो चिकन मैरिनेट करके रखा था और चिकन दे दूँगी। और चिकन देने के बाद मैं चिकन को भी 2-3 मिनट इसी तरह मैं हाई फ्लेम में ही मैं कर रही हूँ, और इसी तरह मैं मिलाती रहूँगी तेल के साथ, जब तक मसाला का तेल बाहर नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसी तरह मिलाते ही रहूँगी। 2-3 मिनट से ज़्यादा, 4 मिनट ऐसे मिलाते रहूँगी हाई फ्लेम में। और देखिए तेल कितना सुंदर से ऊपर आ गया है। और तेल ऊपर आने के बाद इसमें जो मैं दो टमाटो को पेस्ट बना के लेके आया था उसको डाल दूंगी, और डाल के मैं मिला दूंगी।
और टमाटो को मैंने दे दिया है, दे के अच्छी तरह से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं ढक्कन लगा दूंगी और गैस का फ्लेम में लो करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। तेल ऊपर आ गया है, इसी में मैं अभी पानी डाल दूंगी जिस कटोरी में मैं चिकन को मैरिनेट करके रखा था। पानी देने के बाद मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए रख दूंगी। और 10 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर देखा चिकन अच्छी तरह से पक गया है। और अभी मैं इसमें कसूरी मेथी हाथों से रगड़ के दे दूंगी। कसूरी मेथी देने के बाद मैं मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में रख दूंगी। और 5 मिनट बाद देखिए मेरा चिकन अच्छी तरह से पक गया है, तेल भी पूरा ऊपर आ गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं एक बाउल में निकाल लूंगी, निकाल के बाद मैं रख दूंगी। ये देखिए मेरा चिकन लजीज करी रेडी हो गया है। और आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी लोग मेरा रेसिपी को पहली बार देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस कर देना जो भी मैं ब्लॉग डालूंगी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।